A very good morning, children. Today, in English literature, we will revise the poem Springtime. कौन सा poem revise करेंगे? Springtime. वो poem को अपने से English literature copy में लिखना है. Okay? And after writing, you have to check from your English literature book, page number 34. लिखने के बाद, page number 34, बुक खोलना है इंग्लिश लिटरेचर और चेक करना है तुम लोग सही लिखे हो कि नहीं, और जो गलत लिखे हो उसका स्पेलिंग को याद करना है, और फिर याद करने के बाद फिर से लिखना है. ओके, हम एक बार पोयम तुम लोग के लिए रीड कर दे रहे हैं, तुम लोग को वैसा ही लिखना है. पहले हेडिंग लिखना है स्प्रिंग टाइम. पहले क्या लिखना है बीच में? हेडिंग स्प्रिंग टाइम. फिर फ्रेशली प्लांटेड गार्डन्स, blossoms in the tree, insects flying through the air, humming little bees, children playing hopscotch, kites in the sky, bunnies hopping in the meadow, bluebird flying high, raindrops on the tulips, clovers on the ground, blankets drying in the wind with family all around. So children, I hope तुम लोग को इस poem याद होगा, क्योंकि मैं पहले भी कराई हूँ. तो जिसको याद नहीं है याद करो और फिर लिखना है, ठीक है, बिना देखे. और जिसको याद है लिखो, बुक खोलकर फिर करेक्शन करो कहाँ गलत हो. जो स्पेलिंग रॉन्ग है उसको सर्कल करो और उसको याद करो. याद करने के बाद फिर से करेक्ट करके लिखना है. ओके, थैंक यू चिल्ड्रन.